दोस्तों YouTube ने हमको हमारे चैनल पर एक बहुत अच्छा फीचर दे रखा है जिसका नाम है कम्युनिटी टैब। और अब ये कम्युनिटी टैब है ये तुरंत ही मिल जाता है चैनल पर, लेकिन सही तरीके से इसका यूज करना नहीं जानते लोग। अगर आप इसका सही तरीके से यूज करेंगे तो आप अपने कम्युनिटी टैब की रीच को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। और जब आपकी कम्युनिटी टैब की रीच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो आप अपनी वीडियो भी वहां पे शेयर कर सकते हैं। किसी और आपके दोस्त की वीडियो अगर शेयर करने तो भाई वो भी कर सकते हैं और उस पर आपको वहां भी व्यूज जनरेट होंगे। तो अगर आपका नया चैनल है तो आपको ये जो प्रैक्टिस आज मैं बताने वाला हूं ये जरूर से जरूर करनी चाहिए। मैं आपको 3 टिप दूंगा, अगर ये तीनों टिप आप यूज करते हैं तो आपकी कम्युनिटी टैब की रीच काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और नए चैनल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहां पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑल इट है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार, गर्मी बेहद हो रही है और ऐसे में अगर आप एक परफेक्ट सीलिंग फैन ढूंढ रहे हो विद बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपको इस गर्मी में राहत दे, तो मैं आज आपको रिकमेंड करूंगा हैवल्स का एंटाइसर BLDC फैन। इस फैन को यूनिक बनाता है इसका मॉडर्न डिजाइन जो कि बहुत ही एलिगेंट है, और इसकी जो शैंपेन शेड है ये तो भाई आपके घर में 4 चांद लगा देगी। ये फैन 1200 mm स्वीप साइज के साथ आता है जो दिखने में काफी खूबसूरत और लग्जूरियस लगता है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 370 RPM की मोटर मिलती है और साथ में एयर डिलीवरी रेट 235 CMM की मिलती है जो कि काफी लाजवाब है। BLDC होने के साथ इस फैन की पावर कंजप्शन काफी कम है और साथ में आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। बस और क्या चाहिए। तो अगर आप हैवल्स एंटाइसर फैन को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप साइड में मेरा मोबाइल देख सकते हैं, मैंने अपना जो दूसरा चैनल है क्रिएटर गाइड, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो डालता हूं, वो ओपन कर रखा है। तो यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल में वो चीज समझाऊंगा। मैं यहां पे आता हूं अपने कम्युनिटी टैब के अंदर। अब आप कम्युनिटी टैब के अंदर देखेंगे, मैं फिलहाल इस तरह से वीडियो अपनी शेयर कर देता हूं। लाइक कितने आते हैं, 96। देखिए आप देखिए 49। तो पहली टिप ये है कि इस तरह से वीडियो शेयर नहीं करनी है अगर आपको रीच बढ़ानी है स्टार्टिंग में नया चल रहे। मैं कर लेता हूं क्योंकि चल की रीच ऑलरेडी इसकी बढ़ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा रीच हो तो आप देखेंगे यहां पे मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा, इस तरह से हम वीडियो को शेयर करते हैं तो हमको लाइक कम मिलता है। अब जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, मतलब कुल मिला के कम्युनिटी टैब में हमें एंगेजमेंट बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए हमें पोस्ट पे, तभी हमारी रीच बढ़ेगी। तो 3 जो चीजें हैं वो आप कीजिए। पहला तो यही है कि आप कभी भी इस तरह से वीडियो शेयर मत करें अगर आपको रीच इंक्रीज करनी है नए चैनल पे। आप क्या करें, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए लाइक भी बढ़ गए ना, 292 लाइक हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए 443 लाइक हो गए। इस तरीके से अगर फोटो लगा के यहां पे लिंक लगाएंगे तो आपकी रीच बढ़ेगी। अब यहां पे दूसरा एक तरीका और बताता हूं, ये फीचर अभी कम्युनिटी टैब में ऐड किया गया कुछ ही दिन पहले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे होता है पोल का एक ऑप्शन, लेकिन पहले क्या था कि पोल में आप सवाल पूछ सकते थे, अब पोल का थोड़ा सिस्टम बदल गया। जैसे आप पोल पे क्लिक करेंगे यहां पे इमेज का ऑप्शन आता है, इमेज पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे आप देखिए फोटो लगा सकते हैं मल्टीपल, जैसे मान लीजिए एक ये मैंने फोटो सपोज आपको समझाने के लिए लगा दिया, ठीक है। अब ये एक फोटो है, इस फोटो पे मैं यहां पे ऐड भी कर सकता हूं कैप्शन, और यहां पे फोटो लगा सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए आप समझिए आपको कोई सवाल पूछना है कि भारत की राजधानी कौन सी है, बस इतना पूछना है, तो आप क्या करें दिल्ली का एक फोटो लगा दे, फिर एक आगरा का लगा दे, फिर मुंबई का लगा दे, फिर पुणे का लगा दे और कैप्शन में लिख दे आगरा दिल्ली मुंबई पुणे, तो लोग पोल करेंगे। आप सबको पता है भाई भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस तरह का जब आप फोटो के साथ कम्युनिटी टैब डालते हो पोल के अंदर तो आपकी रीच बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बहुत ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, लाख लाख लाइक आ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बार एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आपका जो पोस्ट है जो पोल है आपका वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो इस तरह के पोल आप क्रिएट करने लग जाएं अब अपने कम्युनिटी टैब में, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक यहां पे टिप और देता हूं, कभी कभी आप क्या करें कि आपकी ऑडियंस तो आई है, आपने चैनल बना लिया, तो क्या होता है कि ऑडियंस आपको जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो तो देखती है, लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ स्पेशल मोमेंट होते हैं, कहीं आप घूमने जा रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं, उसकी एक अच्छी सी फोटो क्लिक करवा के जरूर कम्युनिटी टैब में शेयर करें, उस पर आपको सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। यहां पे क्या था, यहां पे 96 वगैरह के लाइक मिल रहे थे, 100 के आसपास 50, मैंने यहां पे डाला तो 292 मिले। अब मैं आपको स्पेशल फोटो में दिखाता हूं क्या रेशो रहता है, अभी दिखा देता हूं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए मैंने इस चैनल पे बहुत पहले मतलब ये पुराना हो गया है कम्युनिटी टैब, फिर भी मैंने यहां पे अपने बच्चे के साथ एक फोटो डाली थी, अब ये एक स्पेशल मोमेंट था, तो 5800 लाइक आए थे इस नए चैनल पर भी।
तो कभी कभी आप क्या करें, कुछ स्पेशल फोटो भी कम्युनिटी टैब में शेयर कर दें, अपना कोई थॉट लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे अपना एक थॉट लिख दिया था। तो इस तरह के जब आप स्पेशल मोमेंट डालेंगे तो उसकी रीच बढ़ेगी, लोग उसको ज्यादा लाइक करेंगे, और जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतनी ज्यादा उसकी रीच बढ़ती जाएगी। ये तीन टिप आप यूज करें, आपकी कम्युनिटी टैब की रीच आराम से बढ़ जाएगी। और ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।